महाअष्टमी के पावन अवसर पर कुम्हारी के महामाया मंदिर एवं शीतला मंदिर में हवन पूजन संपन्न हुआ। हवन का कार्यक्रम शाम 5 बजे रायपुर से पधारे डॉक्टर आचार्य यशवंत शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। वहीं शाम 7 बजे पूर्णाहुति दी गई। नवरात्रि में अष्टमी का विशेष महत्व होता है। 9 दिन उपवास रहने वाले व्रती विशेष रूप से अष्टमी के हवन में शामिल होते हैं, ऐसा मानना है। तभी व्रतियों के नवरात्र के व्रत पूर्ण होते हैं। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन करने भक्तों का तांता लगा रहा। बाकी दिनों की अपेक्षा मंदिर में 3 गुना अधिक भीड़ दिखाई दी। शाम 5 बजे रायपुर से पधारे डॉक्टर आचार्य यशवंत शर्मा द्वारा हवन सम्पन्न हुआ। वहीं शाम 7 बजे पूर्ण आहुति दी गई। हवन में स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के ग्रामीण भी शामिल रहे। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में महामाया मंदिर कुम्हारी में 1946 ज्योति कलश जलाए गए थे, जिनमें विदेशों से भी आए लोगों ने अपने व अपने परिवार की मंगल कामना के लिए माता के दरबार में आस्था के ज्योत जलाए थे। यहाँ भक्ति का भाव है और हम लोग काफी सालों से यहाँ पर भंडारा करते थे। पहले हम लोग संस्था के माध्यम से करते थे, लेकिन पिछले साल से हमारे बड़े लड़के गौरव पंडे ने तो चालू किया है। और अष्टमी में थोड़ा नगरवासी का सेवा हो जाए, माता का भंडारा, नगरवासी को प्रसाद मिले, ये सोच करके एक हम लोग चालू किए हैं। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अब कुम्हारी का सिद्ध मंदिर है, माँ माया मंदिर, यहाँ अगल बगल से 25-50 गाँव से लेकर 14 तक के लोग यहाँ दर्शन करने, माता के दर्शन करने आते हैं। और सब यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं इसी कामना के साथ और इसी सेवा भाव से हम लोग भंडारा करते हैं। जी जी जी, पहले का अपेक्षा इस समय भीड़ काफ़ी बढ़ी है ना। और यहाँ अभी इस समय नवरात्र में 1946 ज्योति कलश दीप प्रज्वलित हुई है तेल का, है ना। और यहाँ पे विदेशों से भी ज्योति कलश प्रज्वलित हुई है, कि वो प्रवासी भारतीय है, उनका अमेरिका से जली हुई है, कनाडा से और एक और कहीं से, है ना, वहाँ पर भी जली हुई है। उसकी सेवा कारण चारों तरफ भंडारा वगैरह सब लगी हुई है और इधर हवन वगैरह हो भी रहा है, आप सामने देख रहे होंगे, है ना। उनके बाद हवन के बाद आदमी श्रद्धालु लोगों का तांता लगा हुआ है सवेरे से लेकर अभी तक, है ना। और ये अभी आगे भी चलते रहेगा, अभी रात तक विसर्जन प्रातः किया जाएगा, है ना। और ये बाकी कुछ ज्योति विसर्जन यहाँ माता के शीतला। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रतिवर्ष हमारे मौसा जी यहाँ पे भंडारे का आयोजन करते हैं, जहाँ हजारों की तादाद में भीड़ आती है। हमारी कामना बस यही है कि सबकी मनोकामना जल्द से जल्द माता रानी पूर्ण करे। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भोग वितरण भी किया गया। व्यक्तिगत एवं कई संस्थाओं ने भी मंदिर प्रांगण में भोग वितरित किए। इस पावन अवसर पर माता के दर्शन करने के लिए बाकी दिनों से ज्यादा अधिक भीड़ दिखाई दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।